एक महिला बिना किसी के सपोर्ट के फार्मिंग का काम अकेले कर सकती है। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है और बहुत ही कठिन भी है। तो जवाब जानने के लिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि मैं आप लोगों को बहुत ही इजीली समझा पाऊँ कि एक महिला क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तो बेल आइकन की घंटी को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे हैं और जहां भी अपने फैमिली फ्रेंड्स में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का एक नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, वो ये है कि एक महिला बिना किसी के सपोर्ट के क्या वो फार्मिंग का काम कर सकती है, और साथ ही साथ उसका हर काम होता है जो कि एक महिला का काम होता है, घर का जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो बच्चों का होता है, वो सारा कुछ करने के साथ साथ क्या वो फार्मिंग का काम कर सकती है, वो भी बिना किसी के सपोर्ट के। तो देखिए, ये सवाल तो बहुत ही नया है, जो कि जवाब तो हम सभी को पता होता है, लेकिन हम कर नहीं सकते हैं या फिर आगे बढ़ नहीं सकते हैं, या फिर होता है ना, हम किसी ना किसी का सपोर्ट चाहते हैं, हमारे अंदर हिम्मत की कमी होती है, हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं होती है जिसके कारण हम अपना कदम आगे बढ़ा सके। तो होता क्या है कि हम जब भी कोई नई शुरुआत करते हैं, फिर चाहे वो गांव का हो या शहर का, तो हमें जो है अपने परिवार का सपोर्ट चाहिए होता है। सपोर्ट में बहुत तरह का सपोर्ट होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर सपोर्ट पैसे से ही होता है। एक ये भी सपोर्ट होता है कि अगर कोई कुछ करना चाहते हैं तो वो अपने फैमिली में ज़रूर बताते हैं, और अगर बताते हैं तो फैमिली वाले का रिएक्शन क्या होता है, वो उसके प्रति किस तरह का, मतलब उसको हाँ भी भरते हैं, उसका चेहरा देख के पता चलता है कि परिवार वाले जो है हमारे सपोर्ट में है, वो हमें करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं या फिर हमें मना कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट होता है। अगर परिवार में कोई भी आपको शुरू में ही नकार दे या फिर आपकी हिम्मत तोड़ने लगे, तो आप आगे बढ़ने नहीं सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तब हम दोनों तरफ फंस जाते हैं, हम नेगेटिव भी सोचते हैं, हम पॉजिटिव भी सोचते हैं। लेकिन अगर हमारे परिवार वाले में अगर कोई है जो आपको बहुत ही अच्छे से समझा सके, बहुत ही अच्छे से वो आपको समझते भी हो कि नहीं ये कर सकती है, इसको आगे बढ़ना चाहिए, इसको करना चाहिए, अगर मान लीजिए मैं इच्छा रखती हूँ करने की, तो हमारे पीछे किसी ना किसी का हाथ तो होना चाहिए ना, जिसके साथ हम अपना सब कुछ शेयर कर सकें, उसको बताएँ कि हम ऐसा करना चाहते हैं। तो वो अगर हमें हामी भी भरते हैं, हमें बस एक होता है ना मुँह का साथ, जो हमें ये कह दे कि नहीं आप कर सकते हो, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, तो ये सबसे बड़ा साथ तो यही होता है, सबसे बड़ा सपोर्ट होता है ये। ज़रूरी नहीं है कि हमें हर लोगों से पैसे की ही उम्मीद होती है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, पैसे क्या जो हेल्प होता है ना, वो हर कोई नहीं कर सकता है, वो फैमिली में दो ही मेंबर आपको करेंगे। जैसे कि शादी से पहले की अगर मैं बात करूं, तो शादी से पहले एक लड़की का माँ बाप उसकी हेल्प करते हैं, शादी के बाद उसकी जो है उसके हस्बैंड उसकी हेल्प करते हैं, बाकी कोई आपकी मदद नहीं करेगा पैसे के मामले में। तो दूसरा जो मदद है वो हामी भरना है, जो कि परिवार के सभी सदस्यों से हमें ये उम्मीद रहती है कि सभी लोग हमें खुशी से हावी भरें, ताकि हम खुशी से अपना कदम आगे बढ़ा सकें। तो देखिए, अगर परिवार साथ देना, तो हर लड़की कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। फार्मिंग क्या चीज़ है, एक लड़की ना, आप देखिए गांव, देखिए शहर में तो सारे लड़कियाँ कुछ ना कुछ करती हैं, शहर की बात ही अलग है, वहाँ पे वहाँ की जो लड़कियाँ होती हैं वो शुरू से ही उनको जो है अपने आप में उसको सिखाया जाता है, खुद के फैसले लेना, खुद के पैरों पर खड़े होना। लेकिन गाँव में ये सब नहीं सिखाया जाता है, गाँव में हमेशा ही उसको जो है, मतलब हम शुरू से ही लड़कियों को थोड़ा सा दबा के रखते हैं कि नहीं अकेले घर से नहीं जाना है, कहीं भी जाए, वो ट्यूशन जाए, स्कूल जाए, तो हम पहले यही सोचते हैं कि किसके साथ जाएगी, उसके साथ एक कोई होना चाहिए, अकेले कैसे जाएगी, अकेले नहीं कर पाएगी। तो ये एक चीज़ होती है ना कि गांव में ये बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि हम अकेले नहीं भेजेंगे, एक लड़की है ये सोचकर। तो अगर ये चीज़ हम सोचना बंद कर दें कि एक लड़की है तो क्या हुआ, जैसे कि एक लड़का आगे बढ़ सकता है, वो घर से निकल के जा सकता है, तो फिर एक
लड़की क्यों नहीं जा सकती। हमें भरोसा रखना चाहिए अपने घर के, फिर चाहे वो मेरी माँ हो, मेरी बेटी हो, मेरी बहन हो, जो भी हो, हमें उनके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। तो फिर एक लड़की फार्मिंग भी कर सकती है, साथ ही साथ घर भी चला सकती है और अपना परिवार बहुत ही खुशहाल से चला सकती है। फार्मिंग क्या चीज़ है फ्रेंड्स, अभी तो गांव से भी काफ़ी सारे लड़कियां बाहर जा जा करके जॉब भी कर रही हैं। ये सब किस लिए? क्योंकि उनका परिवार उनका सपोर्ट करते हैं। काफ़ी हद तक जो है पहले से अब में सुधार आ चुका है और आगे हम उम्मीद भी करते हैं कि और भी सुधार आएगी। तो हमारे जैसे जितनी भी गांव से लोग हैं, अगर वो लोग इस सोच को रखते हैं कि हम लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने देंगे, तो उनसे मेरा विनती है कि आप उनको एक बार जाने दीजिए, उनको एक चांस दे के तो देखिए आपकी बेटी में, आपके बहू में, आपके जो भी हैं उसमें क्या टैलेंट है, वो क्या कर सकती है। तो इस चीज़ को सबसे पहले हमें अपने घर वाले को ही देखना चाहिए, तभी वो आगे दुनिया वालों को दिखा सकती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो से मैं आप सबको यही बताना चाहती थी कि एक महिला बहुत कुछ कर सकती है, बस उसको उसके परिवार का साथ और सपोर्ट चाहिए होता है। तो आप लोगों से विनती है कि आप लोग जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने अपने परिवार का ज़रूर साथ दें और उसको आगे बढ़ाने में उसकी मदद करें। तो आई होप कि आज की वीडियो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। तो अगर पसंद आई है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि हर किसी को ये बात थोड़ी सी समझ में आए। अगर कोई नहीं चाहते हैं तो उसको जो है ये इस बात को सुनकर थोड़ा सा शायद अगर कुछ अच्छा लगे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा कि मेरी वीडियो से अगर किसी को ज़रा सा भी फायदा होता है तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। तो इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए आप सब भी अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।